अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मौलवी अशरफ अली थानवी को जब आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कुफ्र का फतवा दिया, तो उस पर मौलवी अशरफ अली थानवी ने उसको किस तरह एक्सेप्ट किया और उस पर क्या जवाब दिया, ये जानना हर मुसलमान के लिए बहुत ही अहम है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर कर दीजिए, और हाँ, पूरा मुकम्मल बयान सुनने के बाद में कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। लीजिए पेश आपके सामने ये पूरा बयान। आला हजरत ने तो उलमाए हरमैन से फतवा मंगवाया था कि यहाँ ऐसी ऐसी गुस्ताखियाँ हो रही हैं, आप क्या कहते हैं। वो चाहते तो खुद मुफ्ती से फतवा देते, लेकिन हरमैन के उलमा से फतवा मंगवाया। उनका फतवा आया कि ऐसे जुमले कहने वाले हिंदुस्तान के जो भी मौलवी हैं वो दायरे इस्लाम से खारिज हो चुके हैं, और जो उनके कुफ्र में शक करेगा वो भी काफिर हो जाएगा। इतना सख्त हुक्म हरमैन तैयबैन से आया, उसको आला हजरत ने अपनी साइन अपनी दस्तखत से छापा तो ये वावेला मचाने लगे, अरे मियां हमको काफिर बोले, काफिर बोले। आला हजरत ने जो कहा है चैलेंज करता हूं, फांकने से नहीं चलता, ला करके दिखाओ, लाओ हमारे सामने कहां कहां किसको किसको काफिर कहा, मैं दिखाऊंगा। मौलाना अशरफ अली थानवी देवबंद के बड़े आलिम हैं, उनसे ही सवाल किया किसी ने। आला हजरत के विसाल के बाद कहा आपके मुखालिफ थे, वो इंतकाल हो गया। उन्होंने अफसोस जाहिर किया, वो बड़े आशिक रसूल थे। कौन कह रहे हैं? अशरफ अली थानवी साहब कह रहे हैं, वो बड़े आशिक़े रसूल थे। हैं, मजमे में कहा वो आपको काफिर कहते थे, आपकी जमात को। उन्होंने तकवीर की, उन्होंने बर्दस्ता कहा मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की ये बात भी हमने नहीं छापी, देवबंद से छपी हुई है, चाहे तो किसी को मैं दिखा सकता हूँ, ये चीज़ें मौजूद हैं। उन्होंने लिखा, कहा अपने मुरीदों से, मियाँ मौलाना अहमद रज़ा खान साहब अगर हमको काफिर नहीं कहते तो वो खुद काफिर हो जाते। अजीब बात है, अजीब बात है। इकरार भी है फिर इसरार भी है। कह रहे अगर वो हमें काफिर ना कहते तो खुद काफिर हो जाते, इसलिए कि उन्होंने इश्क़े रिसालत में डूब करके देखा कि ये रसूल के खिलाफ तहरीरें आई हैं, तो उन पर फर्ज था कि वो इन तहरीरों के खिलाफ लिखें और उनका कुफ्र साबित करें। उन्होंने वो काम किया है। ये दुगले लोग होते हैं, इधर भी बोलते हैं उधर भी बोलते हैं। जब आपको मालूम है तो तौबा कर लेते बेचारे, सारा मामला ही खत्म हो जाता।